नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज, आपके साथ लवकुश कुमार यादव। आपको बताते चले, बाराबंकी जनपद से कुछ खास खबर है कि जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे बाराबंकी और वहां पर मीडिया कर्मियों से कुछ बातचीत करते हुए कुछ क्या बताए, कुछ खास बताए, आइए सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बने रहें हमारे डीएस न्यूज चैनल के साथ। आइए देखते हैं लवकुश कुमार यादव की खास रिपोर्ट। भी बहुत कुछ कर दिया है हमारा जो सामाजिक परिवर्तन रथ चला है, वो लगभग 60-65 जिले हमें कर चुका हूँ, 10-15 जिले बहुत बचे हैं। ये शादी खत्म हो जाए तो मैं वो भी घूम लेंगे। नेता जी, आज संविधान दिवस है, क्या स्थिति देखते हैं संविधान की, आज के जो माहौल चल रहा है उसमें? देखिए, संविधान तो इसीलिए बना है कि संविधान के अनुसार चल करके सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिले और सभी वर्ग के लोगों की उन्नति हो। तो देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि संविधान के अनुसार अभी तक देश नहीं चला है, तो इसकी वजह से हमारा चला जा रहा है। और देखिए, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लगातार लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो गरीबी हटी, न बेरोजगारी हटी और भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं संविधान की अवहेलना हुई है। नहीं, जिस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लगे, जो बीजेपी के मुखालिफ पार्टियां हैं वो कहती हैं कि संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, इससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, संविधान के अनुसार नहीं चला है, संविधान के अनुसार न्याय नहीं मिल रहा है। संविधान की कसम तो खा लेने खाई है कसमें पार्टियों ने, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी ने तो ईश्वर की भी कसम खाई, गंगा की भी कसम खाई, संविधान की भी कसम खाई। सब लोगों में तो सब लोग आ जाते हैं, सपा भी आ जाती है, उसने भी राज किया है, नेताजी भी केंद्र में रहे, तो क्या फिर किसी ने वो नहीं किया? अगर सब किसी ने संविधान नहीं माना, ने तो जो भी संविधान के अनुसार जो भी बात, तो नेताजी ने जो सब बातें पूरे किए, सब बातें पूरे, वादों के भी अलावा जो भी जनता के हित में काम किए जाते हैं नेताजी की सरकार में, तो वो भी वादे पूरे हुए हैं। शिवपाल जी, आप पीएम मोदी जिले में आते हैं, तभी आपके जिले के